गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो कोई हॉल वीडियो नहीं होने वाली, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लुक टॉल, या फिर अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप लंबे कैसे दिखें। वेल गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि छोटी हाइट या बड़ी हाइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करोगे तो ही आप अच्छे लग पाओगे डेफिनेटली। अगर आप ही डरे सहमे से घूमोगे, ये सोचोगे कि नहीं यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी हाइट छोटी है, मेरा वेट ज्यादा है, तो आप पता है उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, तो इन सब चीजों से निकल के हमें वी शुड बी हैप्पी। अब इन सब चीजों को यू कांट चेंज, बट थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो उसके लिए आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ किस तरह के कपड़े आप पहन सकते हो, वो भी आपके सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये सब टिप्स आप प्लीज यूज करना खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। सो विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है हाई पोनी टेल। सो अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट छोटी है तो आपको हाई पोनी टेल बनाना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। एक थोड़ी सी लेंथ मिल जाती है आपकी बॉडी को एंड एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपकी हाइट लंबी है। सो ये वाला टिप आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एंड हाई पोनी टेल एक ऐसा ट्रेंड है जो कि हर एक चीज के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हर एक चीज के ऊपर हाई पोनी टेल अच्छी लगती है। अगर कुछ भी पहन रहे हो ना, एथनिक पहन रहे हो, वेस्टर्न पहन रहे हो, सबके साथ अच्छी लगती है पोनीटेल। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तो सिंपल हाई पोनीटेल विल हेल्प यू। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टिप गाइस, तो वो ये है कि आप हाई वेस्ट पैंट्स पहन सकते हैं। जब आप हाई वेस्ट पैंट्स पहनते हैं तो आपका जो नीचे वाला एरिया होता है, स्पेशली आपके जो लेग्स होते हैं, उनका अपीयरेंस लगता है कि वो लॉन्ग है। तो उसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपकी हाइट लंबी है, क्योंकि आपके लेग्स जो है वो लॉन्ग लग रहे हैं। साथ में आपको पहनना है क्रॉप टॉप। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टॉप पहनोगे ना गाइज, आपने हाई वेस्ट जीन्स तो पहनी लेकिन उसको छुपा दिया पूरा लॉन्ग टॉप पहन के, तो भी आप नहीं लंबे लग सकते। तो इसलिए आपको हाई वेस्ट जीन्स के साथ हमेशा क्रॉप टॉप पेयर करना। उससे क्या होगा गाइस कि ये वाला पोर्शन जब दिखता है तो आपके पैरों की लेंथ ज्यादा लगती है, क्योंकि आपकी जीन्स ऊपर तक आ जाती है, तो उससे भी लंबे होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट टिप है वो है किस टाइप के प्रिंट्स आपको पहनने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बड़े प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब भी हम बड़े प्रिंट्स पहनते हैं एंड वो चीजें बहुत मैग्नीफाई होती है और आपकी हाइट छोटी लगती है। तो इसलिए मैं आपको टिप देना चाहूंगी, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप छोटे छोटे प्रिंट्स पहनिए, पॉलका डॉट्स पहन सकते हैं, वो भी काफी अच्छी लगती है। सो याद रखिए कि बड़े बड़े प्रिंट्स थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, वैसे आप चाहो तो पहन सकते हो, देयर इज नो इशू। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी लगे तो स्मॉल प्रिंट्स ट्राई करो। अब हम बात करेंगे कि प्लाजो सूट कैसे स्टाइल करने अगर आपकी हाइट छोटी है। तो इसमें सबसे पहले टिप गाइस ये है कि आप वाइड लेग प्लाजो या फिर स्कर्ट्स ना पहन के आप ट्राई कीजिए कि आप पैंट्स पहने। क्रॉप पैंट्स जो आती है ना, आपने देखी सिगरेट पैंट्स आती है जो हमारे प्लाजो टाइप पैंट्स होती है, सो उनमें क्या होता है कि एक तो वो फिटिंग वाली होती है, ऊपर से थोड़ी सी ऊंची होती है आपकी हील से, तो उसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपके लेग्स जो है वो लॉन्ग है एंड आपकी हाइट लंबी लगती है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि वाइड लेग की जगह पे, क्योंकि जब आप वाइड लेग पहनोगे ना तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ज्यादा दिखाई देता है, तो उसकी वजह से अपने आप ही हाइट छोटी लगती है। तो इसलिए ट्राई करो कि जब भी प्लाजो पहन रहे हो तो प्लाजो पैंट्स पहनो, क्योंकि वो अच्छा स्ट्रक्चर देती है आपकी बॉडी को, साथ में आपकी हाइट भी लंबी रहती है। तो यहाँ पे जब आप प्लाजो पैंट्स पहनोगे तो बिल्कुल एंकल तक मत पहनना गाइज, आपको पैंट्स पहननी है हल्की सी ऊंची अपनी एंकल से, एंड उसके साथ आपको पेयर करनी है न्यूड हील्स। वैसे जुत्तीज भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा दिखना चाहते हो तो न्यूड हील्स पहनो। एक तो हील्स इसलिए कि उससे आपकी हाइट लंबी हो जाती है, डेफिनेटली इट्स एड ऑन टू योर हाइट, लेकिन साथ में न्यूड हील्स क्या करती हैं, आपके पैरों को और लंबा दिखाती हैं, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल हाइट थोड़ी सी लंबी लगती है। जब भी पैंट्स पहन रहे हो तो थोड़ी सी ऊंची पहनो, एंड साथ ही जो हील्स पहन रहे हो वो न्यूड पहनो, तो डेफिनेटली आप लंबे लोग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के अनारकलीज आपको पहनने चाहिए। अब दो टाइप के अनारकली आते हैं, एक तो सिंपल ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक जो ए लाइन वाले आते हैं, तो एक ही टाइप से बने होते हैं, लेकिन एक अनारकली आता है जो कि एम्पायर वाला होता है, उसमें ऊपर वाला पोर्शन अलग होता है, तो उसमें यहाँ से जो फ्रॉक वाला पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट फिटिंग का होता है। कभी कभी क्या होता है दोनों चीज अलग अलग कलर की होती है, जब ये अलग अलग कलर की होती है तो डेफिनेटली आपकी हाइट उसमें छोटी लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी लगे तो एक ही कलर का पूरा अनारकली हो वो पहने, या फिर जिसमें यहाँ पे जोड़ ना हो, सिंपल और पूरा फ्लोई ए लाइन वाला कुर्ता हो, वो भी काफी अच्छा लगता है, एंड वो भी इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी हाइट लंबी है। सो नेक्स्ट अनारकली में एक और टिप है गाइस कि आप फ्लोर लेंथ अनारकली मत पहनिए। जब भी आप फ्लोर लेंथ अनारकली पहनेंगे आपकी हाइट ऑब्वियसली छोटी लगेगी। अगर आपकी हाइट लंबी भी है ना, आप पूरा फ्लोर लेंथ तक का पहन लो तो इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, आपकी नॉर्मल हाइट से ज्यादा छोटी लगते हो आप फुल लेंथ अनारकली में। तो यहाँ पे आपके लिए टिप है गाइस कि आप थोड़ा छोटा पहनिए उसके नीचे, या तो आप पैंट्स पहन सकते हैं या फिर अपने यू नो लेगिंग्स पहन सकते हैं, जो भी चूड़ीदार आपको पसंद है वैसा कुछ पहन सकते हो। तो जब आप थोड़ा ऊंचा अनारकली पहनते हो तो उससे आपके पैर दिखाई देते हैं नीचे, एंड आपके जो लेग्स हैं वो लॉन्ग लगते हैं देखने में,
तो उससे आपकी हाइट लंबी लगती है। सो अब हम बात करेंगे किस टाइप का नेक डिजाइन आपको पहनना चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप वी नेक पहनो या फिर कुछ ऐसा स्वीट हार्ट नेकलाइन वाला भी पहन सकते हो, ये भी काफी अच्छे लगते हैं। अब इनसे क्या होता है गाइस कि जब आप वी नेक या फिर ऐसा कुछ पहनते हो, डीप नेक जो होती है, तो ये वाला पोर्शन दिखता है। जब ये पोर्शन दिखता है तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो लंबा लगने लगता है। दैट्स वाई हम डीप नेक्स पहनते हैं, जिससे कि हमारे ये वाला पोर्शन उभर के आए एंड लंबा लगे, तो उससे भी आपकी हाइट जो है वो लंबी लगती है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वेलरी किस टाइप की पहननी है। सो ट्राई करो कि चोकर ना पहनो, उनको अवॉइड करो। वो अगर गले में यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो गर्दन है वो छुप जाती है, तो ऑब्वियसली आपकी हाइट छोटी लगती है, आपकी गर्दन भी छोटी लगने लगती है उसमें। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लॉन्ग नेक पीस पहनो, क्योंकि जैसे वी नेक हमें लंबा दिखाता है, वैसे ही लॉन्ग नेक पीस भी जब नीचे तक आता है तो हमारी नेक लंबी लगती है एंड हमारी हाइट जो है वो लंबी अपेयर। अब ये टिप तो आपको पता ही होगी गाइस कि सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्राइप्ड कपड़े पहनिए। स्ट्राइप ये वाली नहीं, ये वाली वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको पहननी है। जो लंबी वाली स्ट्राइप जब आप पहनेंगे तो वो आपकी हाइट में एड ऑन करती है एंड आप लंबे अपेयर होते हो देखने में। वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है ऐसे स्ट्रेटनेस का, तो उसकी वजह से आप लंबे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में आप कभी भी देख लेना, आप थोड़े हेल्दी लगते हो। सो पतले भी लगोगे आप वर्टिकल स्ट्राइप्स में, साथ ही लंबे भी लगो। अब बारी है किस टाइप के कलर्स या फिर किस टाइप के कलर्ड आउटफिट आपको पहनने चाहिए। कलर तो आप कोई सा भी पहन सकते हो, नो सच इशू, लेकिन ट्राई करो कि पूरा मोनोटोन आउटफिट पहनो। जब भी आप एक मोनोटोन आउटफिट पहनते हो तो आप लंबे लगते हो। मोनोटोन आउटफिट होता है एक ही कलर का पूरा आउटफिट आपका। जो मान लो आपने प्लाजो और सूट पहना तो दोनों का कलर एक ही है, तो भी एक लंबा अपीयरेंस आता है आपकी बॉडी में। तो जब भी आप लंबा दिखना चाहते हो थोड़ा सा, तो यू नो एक मोनोटोन आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें किस टाइप की स्लीव्स पहननी चाहिए जिससे हमारी हाथ जो है वो लंबे दिखे। अब इसमें आपकी ऑब्वियसली हाइट भी लंबी लगती है जब आपके हाथ लंबे लगते हैं, तो ट्राई कीजिए कि फुल स्लीव्स पहनिए चूड़ीदार। जो चूड़ीदार स्लीव्स होती है ना, उनमें आपकी हाइट काफी लंबी लगती है। स्पेशली इन स्लीव्स में आप नहीं लंबे लगोगे, बट जब आप चूड़ीदार पहनोगे तो आपके जो हाथ है वो काफी लंबे लगते हैं एंड लीन लगते हैं साथ ही में, तो उसकी वजह से आप थोड़े पतले भी लगोगे एंड लंबे भी लगोगे। सो नेक्स्ट टिप है, अगर आप किसी शादी में या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपने लहंगा पहनना और आपको लंबा दिखना है, तो उसकी बेस्ट टिप पता है क्या होती है? जो सारे सेलिब्रिटीज या फिर बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा भी होगा कि लहंगा बड़ा लंबा लगता है एंड इंसान की हाइट बहुत ज्यादा लगती है, उसमें क्या होता है गाइस कि लहंगा जो होता है वो बहुत लंबा बनवाया जाता है। सो एक चीज याद रखना, अपना लहंगा जो है अपनी हाइट से इतना लंबा बनवाना। अब इसमें क्या करना है कि आपको उस लहंगे को यहाँ पहनना है जहां पे मैंने ये हाई वेस्ट में पहना हुआ है। सो जैसे आप लहंगा हाई वेस्ट में पहनोगे तो ऑब्वियसली आपके लेग्स जो है वो लॉन्गर लगेंगे। अब क्योंकि आपने यहाँ पहन लिया तो फिर भी उसकी हाइट आपसे थोड़ी सी लंबी होगी, तो अब साथ में हमें अंदर हील्स पहनने हैं। जब आप थोड़े से हील्स पहन लोगे ना और उसे हाई वेस्ट पहन लोगे, लहंगा थोड़ा सा लंबा है तो डेफिनेटली आपकी हाइट लंबी लगती है, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स ऐड होते हैं। एक तो आपने हाई वेस्ट पहन लिया, आपके लेग्स वैसे ही लॉन्ग लग रहे हैं, ऊपर से आपने हील्स पहन ली तो हाइट में भी एड ऑन हो गया। तो सिंपल है ना बहुत ज्यादा, किसी भी लहंगे में कैसे लंबा लगना है, दिस इज द बेस्ट वे टू लुक लाइक लिटिल टॉलर। और ये वाली टिप ना सबके लिए है, क्योंकि सब चाहते हैं कि लहंगे की जो लेंथ है वो काफी अच्छी हो एंड बड़े अच्छे से लगे, हमारे पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसे जरूर यूज करना, इसमें आप बहुत प्यारे लगने वाले हो। सो गाइज ये कुछ टिप्स हैं जिन लोगों की हाइट शॉर्ट है उनके लिए, अगर वो थोड़ा सा लंबा दिखना चाहते हैं। वैसे तो कोई इशू नहीं है गाइज, सो इट्स ओके। तो आप ये वाले हैक्स एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये बहुत सिंपल से हैक्स हैं, बस आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। बस कभी ये मत सोचना कि मैं ये नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती। हर चीज को पहनने का एक तरीका होता है हर बॉडी के हिसाब से, तो उस टाइप से आप स्टाइल करके उसको पहन सकते हो, आप सब कुछ पहन सकते हो। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। सो बस ये थी आज की वीडियो। आई थिंक कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहते हो मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, इन्फॉर्मेशन वाली हेल्पफुल वीडियोस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप वीडियो देखते रहते हो, पसंद भी कर लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। सो या जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।